हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टेस्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हमारे 8 टेस्ट आ चुके हैं, 8 टेस्ट हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, जो सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स पिछले बोर्ड एग्जाम्स या कमीशंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उसी पे आधारित और वो प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं फ्रेंड्स, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स एम्स नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, पीपीई एग्जाम्स, पीजीआई, सीएचक्यू, सीएचओ, एनएम, जेएनएम्स, यूपीएनएचएम, एमपीएनएचएम, बिहारएनएचएम फ्रेंड्स, जितने भी राज्य हैं फ्रेंड्स, राजस्थान, उत्तराखंड फ्रेंड्स, सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले अगर फ्रेंड्स हमारे आपने टेस्ट सीरीज नहीं देखी है फ्रेंड्स, हमारे 8 टेस्ट आ चुके हैं। अगर नहीं देखा तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारा मास्टर वीडियो आप जरूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप निश्चित सफलता के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हम निश्चित ही आपकी कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स। और हमारा डेली एक टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स अपलोड होता है फ्रेंड्स, आप इसका फ्रेंड्स हिस्सा बने फ्रेंड और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आंसर आता हो फ्रेंड्स तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, टाइफस फीवर। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से, टाइफस फीवर का कारण क्या है फ्रेंड्स? टाइफस फीवर हो जाता है फ्रेंड्स एक, इसका कारण क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, अगर आंसर आता हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा इसका फ्रेंड डी, पीडिकुलोसिस कॉर्पस, पीडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, इसका फ्रेंड्स आंसर होगा। टाइफस जो फीवर होता है फ्रेंड, इसका कारण क्या है? पीडिकुलोसिस कॉर्पोरिस। और फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ये एपिडेमिक टाइफस आल्सो कॉल्ड दी लाउस बॉर्न टाइफस फ्रेंड्स, ये जुए जो पाए जाते हैं सिर पर, जो फ्रेंड सिर पर जुए पाए जाते हैं, इसकी वजह से फ्रेंड टाइफस फीवर हो जाता है। और फ्रेंड जो जुए होते हैं ये फ्रेंड्स कौन सा बैक्टीरिया इंजेक्ट कर देते हैं? एक प्रकार के बैक्टीरिया होता है फ्रेंड। इट इज कॉमन डिसीजेज कास्ड बाई अ बैक्टीरिया, एक प्रकार का बैक्टीरिया है फ्रेंड इंजेक्ट करते हैं, वो उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है जो दिया गया, रिकेट्सिया प्रोवेजकी, रिकेट्सिया प्रोवेजकी। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है एग्जाम्स में, टाइफस फीवर का कारण क्या है फ्रेंड? तो ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, रिकेट्सिया प्रोजेकी, रिकेट्सिया प्रो व जेकी फ्रेंड्स, ये ऑप्शन में आपको मिल सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है जिसके कारण फ्रेंड्स टाइफस फीवर होता है फ्रेंड्स। और ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, पीडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, जो फ्रेंड सिर में जुए पाए जाते हैं उसके कारण टाइफस फीवर हो जाता है फ्रेंड्स। और आप इसका थोड़ा डिटेल्स भी पढ़ लें फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ये राजस्थान नर्सिंग एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरएल फ्लूइड में क्या क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स और टेस्ट कॉन्फिडेंस आपको अच्छा होगा फ्रेंड्स। क्या होगा आंसर? आरएल फ्लूइड आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, आरएल फ्लूइड में क्या क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा इसका बी, ऑप्शन बी, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। एन ए मतलब होता है फ्रेंड सोडियम, के मतलब होता है पोटेशियम, सी ए मतलब होता है कैल्शियम। तो आरएल फ्लूइड में ये फ्रेंड तीनों पाए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स, क्या क्या होता है। नोट में सोडियम क्लोराइड फ्रेंड्स उस पर लिखा होगा, सोडियम लैक्टेट लिखा होता है, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड लिखा होता है। सोडियम का मतलब होता है फ्रेंड्स एन ए, क्या होता है? केमिकल नेम होता है फ्रेंड्स एन ए, ये सोडियम लैक्टेट का मतलब भी एन ए होगा फ्रेंड्स। और पोटेशियम का मतलब होता है के, पोटेशियम क्लोराइड का मतलब होता है के सी एल, बहरहाल आपको पोटेशियम याद रखना है। क्या पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है पोटेशियम का सिंबल फ्रेंड, केमिस्ट्री में पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। और कैल्शियम का क्या होगा? सी ए, कैल्शियम के लिए क्या कहते हैं? सी ए। वैसे इनका पूरा नाम होगा सोडियम क्लोराइड का होगा एन ए सी एल, एन ए सी एल, एन ए सी एल को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम लैक्टेट भी फ्रेंड्स उसी तरह होता है, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है के सी एल, पोटेशियम क्लोराइड का के मतलब होता है पोटेशियम, के सी एल मतलब होता है क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड का मतलब होता है, कैल्शियम क्लोराइड का मतलब होगा फ्रेंड्स सी ए सी एल, क्या होता है? सी ए सी एल, सी ए सी एल, सी ए मतलब होता है कैल्शियम, सी एल मतलब होता है क्लोराइड फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ध्यान रखें आप इसे इग्नोर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है फ्रेंड्स?
फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन क्या होगा इसका? अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताया करें फ्रेंड्स, इससे क्या होगा आपका हेजिटेशन दूर होगा और टेस्ट कॉन्फिडेंस एग्जाम्स में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपकी फ्रेंड टेस्ट कॉन्फिडेंस क्षमता जो होगी कैपेसिटी होगी मजबूत होगी फ्रेंड्स। जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताया करें आपके आंसर क्या है, आपके क्या विचार हैं फ्रेंड्स, क्या आंसर है, और आप ये जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही किए आपने, जितने हमने क्वेश्चन दिए थे उस पर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको अभी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्या होगा आंसर इसका? फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन होगा इसका बी फ्रेंड्स, इन फेलोपियन ट्यूब में। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको इंग्लिश में पढ़ना ही ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी में इनका फ्रेंड्स जो उच्चारण होता है फ्रेंड्स, जो लिखा होता है फ्रेंड्स ट्रांसलेशन, वो काफ़ी टफ हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको इंग्लिश में पढ़ा करें, क्योंकि पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? इन फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है बी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्या कहते हैं? ऑप्शन होगा इसका बी, हाइजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइजीन। अगर आपको आंसर आया करें तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? निम्न में से विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स? कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स होते हैं जो हम उनको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, इससे आपका रिविजन हो जाता है। क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा इसका ए, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 जुलाई को, 28 जुलाई को फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, ओआरएस में क्या क्या होता है फ्रेंड्स? ओआरएस में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको आंसर आता हो तो बता सकते हैं, ग्लूकोज, एनएसीएल, केसीएल, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स का? ऑप्शन होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है, एनएसीएल मतलब सॉल्ट पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है, केसीएल का मतलब क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। आप ध्यान रखें इनका पूरा नाम, एनएसीएल का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, केसीएल का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड, एनए मीन्स होता है सोडियम, के मतलब होता है पोटेशियम। ये केमिकल नेम है फ्रेंड केमिस्ट्री में, कभी टाइम मिलेगा तो फ्रेंड इनके बारे में थोड़ा बता देंगे आपको, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे थोड़ा, ताकि कुछ फ्रेंड्स केमिकल्स नेम होते हैं जो दवाएं होती हैं फ्रेंड्स अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इसमें फ्रेंड्स जो मिश्रण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जो ORS में जो फ्रेंड्स जिन जिन चीज़ों का ये मिक्सचर्स होता है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम साइट्रेट होता है फ्रेंड्स। ये हमने इसमें फ्रेंड हिंदी में लिख दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, देख सकते हैं इतनी चीज़ें फ्रेंड्स ORS में पाई जाती है फ्रेंड्स, या इतनी चीज़ों से ORS मिलके बनता है फ्रेंड। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स, क्या होता है ORS का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ORS फ्रेंड्स क्यों दिया जाता है ये भी बताना है, किस वजह से ORS पिलाया जाता है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप याद करेंगे तो आपकी मेमोरी थोड़ी तेज होगी, आप रिकॉल करेंगे एग्जामिनेशन में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से गर्भ निरोधक गोलियों के खोजकर्ता कौन है? गर्भ निरोधक गोलियों के खोजकर्ता फ्रेंड कौन है? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा इसका बी फ्रेंड्स, पिनकस। पिनकस जो है फ्रेंड्स गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, पिल्स होती हैं, उसके खोजकर्ता है कौन? पिनकस है फ्रेंड्स। अगर आपको आंसर आया करें आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं, और बताया करें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फ्रेंड्स, आपने कितने क्वेश्चन किए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये हमारा पिछले लेक्चर का फ्रेंड क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा इसका? अगर आपको आता हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं फ्रेंड, क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन होगा इसका ए, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 नंबर, मृतक शरीर की जांच करने की क्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, मृतक शरीर करने की, मृतक शरीर की जांच करने की प्रक्रिया या क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका ए, ऑटोप्सी कहते हैं। मृतक शरीर की जांच करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं फ्रेंड्स। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, बायोप्सी से क्या किया जाता है फ्रेंड्स? बायोप्सी से फ्रेंड्स किस बीमारी का पता लगाया जाता है फ्रेंड, या किसका पता लगाया जाता है फ्रेंड, बायोप्सी के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, मृतक शरीर की जाँच करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, ऑटोप्सी कॉल्ड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, प्रसव के तुरंत पश्चात स्तन से होने वाला स्राव क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जब प्रसव डिलीवरी होती है उसके बाद फ्रेंड्स जो दूध निकलता है फ्रेंड्स उसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं? उसको जो स्राव होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा इसका?
ऑप्शन होगा इसका बी, कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रसव के तुरंत पश्चात जो स्तन से स्राव होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये किसी न किसी प्रकार से आपके एग्जाम से जरूर पूछे जाते हैं। निम्न में से किस राज्य का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो कहाँ का ज्यादा है फ्रेंड्स? कहाँ का ज्यादा है? ऑप्शन क्या है? हम इसे फ्रेंड्स पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो आप फ्रेंड डिस्क्रिप्शन पे जाके या आपके स्क्रीन पे आई बटन दिख रहा होगा, आप हमारे सारे वीडियो वहां से पा सकते हैं। क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स? ऑप्शन है ए, केरल का जो फ्रेंड्स सेक्स रेशियो है लिंगानुपात है सबसे ज्यादा कहाँ का है? केरल में। कितना है वहाँ फ्रेंड है? 1084 फ्रेंड्स जो वुमेन्स हैं पर 1000 पर्सन में पाई जाती है फ्रेंड्स। सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो का मतलब होता है फ्रेंड्स 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं पाई जाती है फ्रेंड्स। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? केरल में। केरल में फ्रेंड प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो है 1084। इसको सेक्स रेशियो कहते हैं फ्रेंड्स। और सबसे ज्यादा कहाँ का है? केरल का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 12, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। कितने राज्य हैं फ्रेंड? टोटल स्टेट इंडिया में कितने? हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया फ्रेंड्स? टोटल स्टेट कितने फ्रेंड्स इंडिया में? 28 स्टेट है फ्रेंड्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश भी 8 है फ्रेंड्स। आप अपना आंसर फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताया करें और मैं उसको देखता हूँ आप जब कमेंट करते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं फ्रेंड्स और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8 हो गए हैं अब। और पहले फ्रेंड्स कितने थे? 29 राज्य थे फ्रेंड। जो जम्मू कश्मीर है उसको फ्रेंड तोड़ दिया गया है, उसको फ्रेंड केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। ऑप्शन इसका है हमारा बी है। और फ्रेंड्स इसके पहले फ्रेंड्स केंद्र शासित जो प्रदेश थे वो कितने थे? वो थे 7 और फिर हुए 9 के बाद अब कितने हो गए पूरी तरह संशोधित रूप से? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरी। और फ्रेंड दादर नागर हवेली सिलवासा दमन द्वीप को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया फ्रेंड्स। इसकी कैपिटल क्या है? दमन है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13 पे, निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात न्यूनतम है या किस राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात है? ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स का? ऑप्शन है हमारा बी, हरियाणा। हरियाणा में जो फ्रेंड्स महिलाओं की संख्या है वो बहुत कम पाई जाती है 1000 पुरुषों में। लिंगानुपात क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, लिंगानुपात किसे कहते हैं फ्रेंड्स? लिंगानुपात उसे कहते हैं जब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं पाई जाती हैं, उसको लिंगानुपात कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन डी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को फ्रेंड किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या है इसका? अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं अपना। क्या होगा आंसर? ऑप्शन होगा इसका बी, एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं, एंटी रिकेट्स। आपको पता होगा विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। इससे क्या होते हैं फ्रेंड हड्डियाँ क्या होते हैं? मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं फ्रेंड्स, या हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। और ये हमें कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स? किससे मिलता है? सनरेज से मिलता है, सूर्य की किरणों से या सूरज से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है हमारा, सभी क्वेश्चन फ्रेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स भारत का लिंगानुपात कितना है फ्रेंड्स? कितना है? 943 जो वुमेन्स हैं पर 1000 पर्सन में पाई जाती है फ्रेंड्स। ये भारत का लिंगानुपात है। इंडिया का जो लिंग, हर एक राज्य का लिंगानुपात फ्रेंड्स अलग अलग होता है। टोटल जो एवरेज निकाला जाता है वो इंडिया का निकाला जाता है। इंडिया में कितना है फ्रेंड्स? 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। आप समझ सकते हैं अभी कितने लोग अभी फ्रेंड्स जिनकी शादी नहीं होती है, महिलाओं की संख्या कितनी कम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा इसका सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का फ्रेंड्स मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है फ्रेंड्स। आपको अगर यूनिसेफ का फुल फॉर्म आता हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स।
जो फ्रेंड्स यूनिसेफ है ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रेंड्स इसका हिंदी रूपांतरण है, आपको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म लिख के बताना है कमेंट बॉक्स पे। ये फ्रेंड डिटेल भी आप पढ़ लिया करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो फ्रेंड हम सिलेक्ट करते हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय एवं विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिसेफ की गतिविधियों में टीकाकरण और बीमारी की रोकथाम, एचआईवी के साथ बच्चों एवं माताओं के लिए उपचार प्रदान करना शामिल है फ्रेंड्स। ये यूनिसेफ का फ्रेंड्स उद्देश्य है या काम कहें, इसमें फ्रेंड टीकाकरण और बीमारी की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, और एचआईवी और बच्चों एवं माताओं के उपचार के लिए, उपचार जो भी है फ्रेंड्स उसके लिए क्या है इस पे इसका उद्देश्य है, इसको कवर करना या शामिल करना है या इन बीमारियों से छुटकारा दिलाना, ये काम किसका है? यूनिसेफ का है फ्रेंड्स। आपको बताना है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, कब फाउंडेड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको कई बार सिलेक्ट करते हैं एग्जाम्स में, आपने टेस्ट सीरीज में क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आपको आंसर आता होगा फ्रेंड्स इसका, क्या होगा आंसर इसका, आंसर होगा इसका बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, अगर आपको आता हो कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स, बाकी में से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है, मतलब कौन सा जहां पर लिटरेसी सबसे ज्यादा है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कहां की साक्षरता फ्रेंड्स सबसे ज्यादा है, ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा आंसर इसका, आंसर होगा इसका सी, केरल। ये फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन है जिनको हम रिविजन के लिए आपके लिए सिलेक्ट करते हैं ताकि आपको आपका रिवाइज होता रहे, क्योंकि आपके पास इतना समय रहता नहीं होगा कि आप इसे बार बार देखें इस वीडियो को, इसलिए कुछ क्वेश्चन का रिविजन हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पे, कैंसर के उपचार में निम्न से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर, अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या होगा ऑप्शन है इसका ए, कोबाल्ट 60 का उपयोग फ्रेंड्स किया जाता है फ्रेंड, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का रेडियो आइसोटोप है या हिंदी में कहें रेडियो समस्थानिक है, और इसका उपयोग किया जाता है किससे, कोबाल्ट 60 का उपयोग फ्रेंड कैंसर के इलाज में किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से मांसपेशियों से संबंधित है फ्रेंड्स, मसल से संबंधित है, क्या होगा ऑप्शन इसका फ्रेंड्स, आंसर है फ्रेंड इसका सी, ईएमजी का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी फ्रेंड्स, ईएमजी बारे में पढ़ लेते हैं, ये मेजर्स करता है मसल्स रिस्पॉन्स आर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू द मसल्स, ये फ्रेंड ये मेजर्स करता है या इसकी एक्टिविटी किस चीज को कंट्रोल करता है फ्रेंड, मेजर्स द मसल्स मसल्स को मापता है, रिस्पॉन्स उसका रिस्पॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी क्या है, टू रिस्पॉन्स टू द मसल्स, और इसका पूरा नाम क्या होता है अपनी का, इलेक्ट्रोमायोग्राफी फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम होता है मांसपेशियों का जो संबंध है फ्रेंड किससे, ईएमजी से फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है ईओजी का संबंध किससे है फ्रेंड्स, ईओजी का संबंध किससे फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर पे दिया गया, बीएमडी परीक्षण किससे संबंधित है फ्रेंड, किससे संबंधित है, ऑप्शन क्या है इसका, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ऑप्शन होगा इसका ए, बोन से संबंधित है, अस्थियों से फ्रेंड्स। बीएमडी का पूरा नाम क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। इससे क्या होती है फ्रेंड, इससे डेंसिटी देखी जाती है बोन्स की, और ये अस्थियों से संबंधित है फ्रेंड्स, ये परीक्षण है फ्रेंड्स या टेस्ट किया जाता है किसके लिए, बोन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 नंबर, नियासिन की कमी से में से कौन सा रोग की उत्पत्ति होती है, नियासिन की जब कमी हो जाती है फ्रेंड्स कौन से रोग की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका ए, प्लेग्रा, नियासिन की कमी से में से कौन से रोग की उत्पत्ति होती है, प्लेग्रा की उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसका ए। और आपको बताना है फ्रेंड्स नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है फ्रेंड्स, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से देह निर्माता किसे कहते हैं, निम्न में से देह निर्माता किसे कहते हैं फ्रेंड्स, बॉडी मतलब जो बॉडी बिल्डिंग के लिए फ्रेंड्स ज़्यादा जरूरी होता है, नीडेड होता है, क्या होगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन है इसका ए, प्रोटीन्स, देह निर्माता बॉडी बिल्डिंग के लिए फ्रेंड्स प्रोटीन की जरूरत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, और इसे देह निर्माता के नाम से भी जानते हैं, देह मतलब क्या होता है, शरीर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ज्यादातर हायर एग्जाम में पूछा जाता है जब क्वेश्चन थोड़ा टफ बनता है। नेक्रोसिस का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? नेक्रोसिस का क्या अर्थ है? ऑप्शन क्या होगा इसका फ्रेंड्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका बी, डेथ ऑफ टिश्यू और सेल्स। डेथ ऑफ टिश्यू और सेल्स, जब फ्रेंड मृत्यु हो जाती है टिश्यू या सेल की, उसे क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। ऑप्शन इसका बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कौन आ जाए, कब आ जाए, कैसे, ये पता नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें फ्रेंड्स। निम्न में से पित्त या बाइल का स्रोत क्या है फ्रेंड्स, या कहाँ से निकलता है फ्रेंड, क्या है इसका स्रोत फ्रेंड? ऑप्शन क्या है? ए लिवर, यकृत फ्रेंड। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है, लिवर से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 26, पेनिसिलिन निम्न में से किस वर्ग की औषधि है फ्रेंड्स? पेनिसिलिन, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम्स में। पेनिसिलिन निम्न में से किस प्रकार की औषधि या किस वर्ग की है फ्रेंड्स, किस वर्ग की औषधि है? ऑप्शन इसका बी, एंटीबायोटिक। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया था फ्रेंड्स वो पेनिसिलिन है। क्या है? पेनिसिलिन। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन निम्न में से किस वर्ग की औषधि है? एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स। ऑप्शन में देख सकते हैं एंटीवायरल, एंटी फंगल, ये नहीं है आंसर सर। आंसर क्या है? ऑप्शन है इसका बी, एंटीबायोटिक्स है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से थायरेक्सिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, या कहाँ से निकलता है, या कहाँ से सिक्रीट होता है? ऑप्शन क्या होगा इसका? अगर आंसर आता हो उत्तर आपको तो कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि। हिंदी में क्या कहते हैं? अवट ग्रंथि कहते हैं, अवट ग्रंथि। निम्न में से थायरेक्सिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन है इसका ए। आप फ्रेंड्स बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप पूरा पहले पेपर को इसको टेस्ट को सॉल्व करें फ्रेंड्स, फिर इसके बाद आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपके रॉन्ग हुए फ्रेंड्स, ताकि कितनी आपको मेहनत की जरूरत है फ्रेंड्स। रक्त जो ब्लड को कितने ताप पर स्टोर किया जाता है फ्रेंड्स, जो ब्लड का स्टोरेज होता है फ्रेंड्स, ब्लड को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? ऑप्शन अगर आपको आता हो तो बता सकते हैं। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका ए, 2 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन टेम्परेचर में फ्रेंड्स ब्लड को स्टोर किया जाता है। फ्रेंड जो रक्त को रखा जाता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ्रेंड? 2 से 6 डिग्री के टेम्परेचर होना चाहिए, 2 से 6 डिग्री के बीच का टेम्परेचर फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका ए है आंसर। ये +2 लिखा है फ्रेंड, -2 नहीं है, ध्यान रखिए आप, +2 लिखा है, +2 से +6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ब्लड को स्टोर किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर हमारा 29, ओडोंटोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? ओडोंटोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है इसका ए, दंत का या टीथ का। किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में फ्रेंड। जो स्टडी किया जाता है किसका किया जाता है? दंत का या टीथ का। ओडोंटोलॉजी किससे रिलेटेड है? दांतों से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा 30 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? निकट दृष्टि दोष फ्रेंड, नियर साइट को दूर करने के लिए, या मायोपिया कहते हैं फ्रेंड्स से, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका ए, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, इसके पहले फ्रेंड्स हमने सारे लेंस के बारे में बात की है फ्रेंड्स, बताया आपको डिटेल्स में, तो आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। आपको बताना है उत्तल लेंस का उपयोग फ्रेंड किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से ईसीजी का संबंध किससे है फ्रेंड्स? ईसीजी का संबंध किससे है फ्रेंड्स, किससे है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका बी, हृदय से, हार्ट से ईसीजी का संबंध है फ्रेंड्स। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी का फुल फॉर्म भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स आप हमारी सारी टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं आप किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे फ्रेंड्स, निश्चित ही आपको 100% सफलता मिलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि हम वो सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिस तरह पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। निम्न में से क्रोमोसोम स्त्रियों में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, कितने पाए, मतलब कौन कौन से पाए जाते हैं फ्रेंड्स स्त्रियों में क्रोमोसोम, आप देख सकते हैं XX से XY या XY दोनों पाए जाते हैं या ओनली वाई पाए जाता है। क्या होगा फ्रेंड्स? क्रोमोसोम स्त्रियों में कौन से पाए जाते हैं? ऑप्शन इसका ए होगा, XX। एक्स एक्स जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम होते हैं किसमें पाए जाते हैं? स्त्रियों में पाए जाते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर हमारा है 33। 33 नंबर, निम्न में से कौन से क्रोमोसोम पुरुषों में पाए जाते हैं? अभी हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं तो उस पर एक्सेस पाया जाता है, पुरुषों में फ्रेंड्स कौन से पाए जाते हैं? आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर है इसका ए, एक्स वाई जो क्रोमोसोम है फ्रेंड्स वो पुरुषों में पाए जाते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो पुरुषों में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 34, साधारण मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं या क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है इसका ए 46, 46 गुणसूत्र होते हैं जो फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमन में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। या पेयर में कहें तो पेयर में होता है 23, लेकिन उस पर लिखा होगा जोड़ी या पेयर, आप ये बात ध्यान रखिए। अगर नंबर में पूछेगा तो 46 होगा, अगर पेयर में पूछेगा 23 होगा फ्रेंड्स, क्योंकि 23 2 46 होता है फ्रेंड्स, 23 2 46 फ्रेंड्स। अगर नंबर में पूछेगा तो आप 46 बताओगे, पेयर में पूछेगा तो 23 बताओगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन है हमारा 35, जार्विक सेवन क्या है फ्रेंड्स? काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जार्विक सेवन क्या है फ्रेंड्स? क्या है ऑप्शन इसका? ऑप्शन है इसका बी फ्रेंड्स, ये क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय फ्रेंड्स, जिसको ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, जिसको मनुष्य द्वारा बनाया गया है, एक प्रकार का ये कृत्रिम हृदय है जार्विक सेवन। ये एक साइंटिस्ट है जार्विक, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया जार्विक। जार्विक सेवन क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल हार्ट है फ्रेंड्स, मेड बाय ह्यूमन। और साइंटिस्ट क्या थे उसके? जार्विक थे फ्रेंड्स, उसका नाम था क्या? जार्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पे, निम्न में से धमनियों तथा सिराओं में रक्त नहीं जमता फ्रेंड, किसके कारण नहीं जमता फ्रेंड? ऑप्शन क्या होगा इसका? कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करें फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताया करें, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि हाँ हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। और आप कभी जब एग्जाम देंगे तो आपको कभी हेजिटेशन नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंस भी एग्जाम देंगे, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस पहले से कर चुके होंगे। क्या होगा? धमनियों तथा सिराओं में रक्त नहीं जमता, आर्टरी या वेन में रक्त जो फ्रेंड्स क्लोटिंग नहीं होता है, जमता नहीं, किसकी वजह से होता है? कौन सा वो तत्व होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन होगा इसका बी, हिपेरिन के कारण। ऑप्शन क्या है? बी, आर्टरी और वेन इंग्लिश में कहते हैं, धमनी और सिरा हिंदी में कहते हैं, जो रक्त नहीं जमता फ्रेंड इनमें किसके कारण नहीं जमता? हिपेरिन के कारण नहीं जमता। ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया नर्सिंग एग्जाम में दिल्ली में एनएचएम में पूछा गया, एनाल्जेसिक औषधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? एनाल्जेसिक जो औषधियां होती फ्रेंड किस लिए किया जाता है? ऑप्शन क्या होगा इसका आप बता सकते कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है इसका ए, पीड़ा से मुक्ति के लिए गया, जो फ्रेंड दर्द होता है दर्द से मुक्ति के लिए, हिंदी में आपको दर्द भी मिल सकता है लिखने के लिए लिखा हुआ, और पीड़ा, पीड़ा से मुक्ति के लिए फ्रेंड्स, दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। एनाल्जेसिक क्या है? मेडिसिन होती है, औषधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं अक्सर दिए गए हैं। अंडे में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है फ्रेंड? क्या पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है इसका ए, प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड्स। प्रोटीन जो होता है अंडे में फ्रेंड्स 58 से 60% प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड्स, बाकी अदर चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स उसमें। अंडे में जो जर्दी होती है उसका कुछ कार्य अलग होता है फ्रेंड्स, जो इस पर व्हाइट वाला पार्ट होता है अंडे का फ्रेंड्स, जो व्हाइट वाला नहीं होता उस पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, वो फ्रेंड्स पूरे अंडे का कितने परसेंट होता है? वो 60% होता है लगभग। और फ्रेंड्स जो अंडा होता है अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है वो 58 से 60% पाई जाती है, वो व्हाइट वाले पार्ट में प्रोटीन पाई जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। और अंडे में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन है हमारा 39, 39 नंबर में क्वेश्चन पे दिया गया, विडाल टेस्ट निम्न में से किस बीमारी का पता लगाया जाता है फ्रेंड्स? विडाल टेस्ट से, विडाल टेस्ट से किसका पता लगाया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा? हम बता चुके हैं आपको, हमारे पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है इसका ए, टाइफाइड। विडाल टेस्ट से निम्न में से किस बीमारी का पता लगाया जाता है? टाइफाइड का पता लगाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 40, ये एसएससी नर्सिंग में पूछा गया था क्वेश्चन फ्रेंड्स, बीसीजी में सी का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? क्या है आंसर इसका? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है इसका ए, कैलमिटी। बीसीजी का जो पूरा नाम होता है बेसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, बेसिलस कैलमिटी ग्यूरिन फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका ए, आपको बताना है फ्रेंड बीसीजी का टीका किस लिए दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं आप इसे। 41 नंबर, निम्न में से गर्भवती स्त्री को कौन सा टीका लगवाना अनिवार्य होता है फ्रेंड्स? कौन सा टीका लगवाना अनिवार्य होता है? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं।
ऑप्शन होगा इसका बी टिटनेस। निम्न में से गर्भवती स्त्री को कौन सा टीका लगवाना अनिवार्य होता है? टिटनेस का। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी आपके लिए, आपको इन्हीं क्वेश्चंस में फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलेंगे फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड्स, और इसी से मिलेंगे फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज हैं अगर आप सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी एग्जाम्स में। निम्न में से कौन सा पदार्थ दांतों को हानि पहुंचाता है? कौन सा पदार्थ दांतों को हानि पहुंचाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा इसका? आंसर बताएं आप क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका बी फ्रेंड्स, फ्लोराइड की जब फ्रेंड्स मात्रा या बहुत ज्यादा हो जाती है बहुत कम हो जाती है फ्रेंड्स तो क्या होता है दांत फ्रेंड्स कैरीज हो जाती है, दांत को दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स, दांतों को हानि पहुंचाता है फ्रेंड्स, दांत चितकबरे पड़ने लगते हैं फ्रेंड्स, पीले पीले होने लगते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43 में निम्न में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? ऑप्शन इसका ए उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है फ्रेंड्स कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? कब मनाया जाता है? अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन होगा इसका सी, ऑप्शन क्या है इसका सी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस फ्रेंड 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड कमेंट किया करें और अपने आंसर बताया करें फ्रेंड्स, इससे आपका फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व फ्रेंड्स किस राज्य का है? ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जनसंख्या से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो अक्सर एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, आप लोग पढ़ के नहीं जाते एग्जाम्स में। निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है फ्रेंड? किस राज्य का है? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका सी बिहार का। जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो फ्रेंड बिहार स्टेट की सबसे ज्यादा है और जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है। डेंसिटी में बिहार और पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? मोस्टली आपको आता होगा लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फ्रेंड्स कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपको फ्रेंड्स नॉलेज बढ़ेगा, आपका इंक्रीज होगा नॉलेज, आप सर्च करेंगे उसके लिए। निम्न में से भूख और प्यास किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है फ्रेंड? ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स इसका? ऑप्शन इसका ए हाइपोथैलेमस, सॉरी यहाँ पर ग्रंथ होगा फ्रेंड्स या ग्लैंड लिखना होगा यहाँ पर, क्या ग्लैंड या ग्रंथ हिंदी में लिख सकते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथ के द्वारा फ्रेंड्स क्या होता है? भूख और प्यास को नियंत्रित किया जाता है फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन क्या है इसका? ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया ब्यूटी या सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा? अगर आपको आता हो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, क्या होगा आंसर इसका? यहाँ आपकी प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस टेस्ट है फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका सी विटामिन ई, ब्यूटी या सुंदरता का विटामिन विटामिन ई को कहते हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेंड पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और ये फ्रेंड्स वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर पे, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कितने ग्राम कैल्शियम की दैनिक मात्रा की सलाह दी जाती है फ्रेंड्स? गर्भावस्था के दौरान फ्रेंड्स क्या होता है, ड्यू टू प्रेगनेंसी वुमेन्स को एडवाइस दिया जाता है कि कितनी कैल्शियम उनको प्रतिदिन मात्रा में लेनी चाहिए फ्रेंड्स, कितनी लेनी चाहिए? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा इसका ए 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक फ्रेंड्स। आप ध्यान रखें फ्रेंड मिलीग्राम कुछ अलग होता है और ग्राम अलग होता है फ्रेंड्स, इस पर आप अपना कंफ्यूजन दूर रखें फ्रेंड्स। मिलीग्राम ये क्या है? ग्राम में दिया गया है, ग्राम में, ठीक है। लगभग आप यूँ कहें तो ये होगा फ्रेंड्स 1500 मिलीग्राम के आसपास, 1500 मिलीग्राम के आसपास होगा फ्रेंड्स, नियर 1500 मिलीग्राम के आसपास, 1500 मिलीग्राम के आसपास। और इस पर क्या दिया गया? ग्राम में दिया गया फ्रेंड्स। ये बात अपना कन्फ्यूजन दूर रखें फ्रेंड्स, क्योंकि कमेंट लिखते समय आप लोग गलती कर देते हैं कि नहीं सर ये मिलीग्राम में इतना होता है उतना होता है फ्रेंड। आप क्या किया अगर उसे कन्वर्ट करके देखा करें कि हमने बोला क्या है, ग्राम में बोला या मिलीग्राम में बोला है फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ग्राम में, 1.5 ग्राम से 2 ग्राम के बीच में होता है फ्रेंड्स, जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वुमेन्स को सलाह दी जाती है कितना उनको कैल्शियम लेना चाहिए फ्रेंड्स, 1.5 ग्राम के आसपास फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से 49 नंबर पे, 49 नंबर पे डीपीटी में टी का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स?
पूरा फुल फॉर्म बहुत मुश्किल पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन इसमें फ्रेंड्स मोस्टली कभी टी का, कभी पी का, कभी डी का जो फ्रेंड्स होता है ये पूछा जाता है। डीपीटी में टी का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, क्या है इसका पूरा नाम टी का? टिटनेस। ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स इसका? ऑप्शन होगा इसका बी, ऑप्शन इसका बी। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 नंबर पे। प्रसव की किस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आती है फ्रेंड्स, प्रसव की किस अवस्था में फ्रेंड प्लेसेंटा बाहर आती है? अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है इसका सी, स्टेज थ्री में फ्रेंड्स जो होती है प्लेसेंटा बाहर आ जाती है फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 51 नंबर भी। साइनोसिस का क्या अर्थ है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, ये सीएचओ में पूछा गया एग्जाम्स में, साइनोसिस का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? ऑप्शन है इसका ए, ब्लूनेस ऑफ स्किन। क्या होगा? ब्लूनेस ऑफ स्किन मतलब स्किन का नीला पड़ जाना फ्रेंड्स, स्किन का नीला पड़ जाना, इसको साइनोसिस कहते हैं। हिंदी में भी इसको लिखा मिल सकता है लेकिन आप इंग्लिश में फ्रेंड्स देखें से, क्योंकि हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन होता है हो सकता है कभी गलत भी लिखा जा सकता है फ्रेंड्स, आप ध्यान दें। तो इसे इंग्लिश में आप कन्फर्म करें, साइनोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लूनेस ऑफ स्किन या स्किन का नीला पड़ जाना फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं क्या होता है ब्लूनेस ऑफ स्किन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है फ्रेंड्स तो जो फ्रेंड स्किन का कलर होता है वो नीला पड़ने लगता है फ्रेंड्स। कैसा पड़ने लगता है? नीला या ब्लूनेस हो जाती है फ्रेंड्स उस पर, ये ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है फ्रेंड्स। और फिर दूसरा पॉइंट है, आपको आंसर इस तरह भी मिल सकता है, ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ स्किन डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। जब रक्त में या ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है फ्रेंड, डिफिशियंसी मीन्स क्या होता है? कमी हो जाती है, तो जो स्किन का कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लूइश या पर्पल हो जाता है या ब्लूनेस हो जाता है। स्किन कैसी हो जाती है? ब्लूनेस हो जाती है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड उसको क्या कहते हैं? उसको फ्रेंड साइनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोसिस कहते हैं। या साइनोसिस का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड इन ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को साइनोसिस कहते हैं। आप इतना भी ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड, ऑक्सीजन ये फ्रेंड क्वेश्चन किसी भी प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिए आप इसे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन है 52, कई बार एग्जाम में पूछा गया सीडीआरआई के बारे में, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, जो हिंदी में कहते थे केंद्रीय औषधि रिसर्च सेंटर या केंद्रीय औषधि रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन है इसका ए, लखनऊ में स्थित है फ्रेंड्स। सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर हिंदी में कहेंगे केंद्रीय औषधि संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा गया, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ 53 नंबर पे, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है फ्रेंड्स? हाल ही में जो चर्चा में रहा मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है फ्रेंड्स। ये बहुत चर्चा में रहा फ्रेंड्स, अभी भी चर्चा में चल रहा है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है फ्रेंड्स ये क्या है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष से संबंधित सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आने की ज्यादा संभावना है और बहुत चर्चा में रहा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड्स? ये कब शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स? इसकी 25 दिसंबर 2014 को की गई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन है इसका ए, मिशन इंद्रधनुष फ्रेंड टीकाकरण से संबंधित है, इम्यूनाइजेशन से फ्रेंड्स बच्चों को टीकाकरण लगाया जाएगा। और मिशन इंद्रधनुष इसका नाम क्यों पड़ा फ्रेंड्स? क्योंकि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, और ये बच्चों को कितने टीके के लिए कितने टीके लगाए जाएंगे? इससे 7 टीके लगाए जाएंगे। कितने? 7 बीमारियों के टीके लगाए जाएंगे फ्रेंड्स। इस पे खसरा भी है, हेपेटाइटिस भी है, और बलगम भी है फ्रेंड, और भी कई बीमारियां हैं फ्रेंड्स, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। आपको ये क्वेश्चन आपके अनुसार से अच्छा है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को हुई थी, और ये मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत कितने टीके लगाए जा रहे हैं? अभी भी ये चर्चा में चल रहा है फ्रेंड्स,
जागरूकता फैलाई जा रही है और टीकाकरण लगाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, जहां पर 50% या 40% के आसपास पॉपुलेशन पे टीके नहीं लगाए गए हैं बच्चों के फ्रेंड्स। केंद्र सरकार का फ्रेंड्स ये मिशन, ये भी ध्यान रखना कहेगा, ये आपसे पूछ सकता है ये क्या राज्य सरकार का मिशन है या केंद्र सरकार का फ्रेंड, ये भारत सरकार का हो या केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है फ्रेंड मिशन इंद्रधनुष। इसके तहत कितने रोगों के टीके लगाए जाएंगे फ्रेंड, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा इसका ए, हम इसको आपको याद कराते हैं टीके के लिए। इंद्रधनुष में फ्रेंड्स कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कितने, आसमान में जब फ्रेंड बारिश होती है, बारिश होने के बाद इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ध्यान रखना है आपको, 7 कलर होते हैं। उसी के आधार पर 7 टीके बच्चों पे लगाए जाएंगे फ्रेंड्स, जो जरूरी टीके हैं 7 टीके, ताकि फ्रेंड्स बच्चों में जो भी बीमारियां होती हैं उनको फ्रेंड्स कम किया जा सके। और ये उस एरिया में कवर किए जाएंगे जहां की ज़्यादातर पॉपुलेशन 40 से 50% के बीच में टीके नहीं लगाए गए, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कई ऐसे फ्रेंड्स स्टेट हैं जहां टीकाकरण बहुत कम हुआ है अभी तक, मोस्टली अब कवर कर दिया गया फ्रेंड्स, क्योंकि इसको 2020 के अंदर तक कवर करना है पूरी तरह से, मोस्टली अभी कवर किया जा चुका है फ्रेंड्स, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है फ्रेंड्स मिशन इंद्रधनुष, ये टीकाकरण से संबंधित है और कोरोना की वजह से फ्रेंड्स थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अभी ये प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है आपके लिए फ्रेंड्स, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, एलिसा टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, एलिसा टेस्ट जो किया जाता है फ्रेंड्स वो किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अगर आपको आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। आप अगर किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम फ्रेंड्स, एएनएम, जेएनएम, सीएचओ, स्टाफ नर्स, एम्स नर्सिंग, किसी भी परीक्षा के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि हम फ्रेंड्स ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स हमारे ये जो जितने भी टेस्ट सीरीज हैं फ्रेंड्स और मास्टर वीडियो हैं, आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, 100% आपको सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स, एक लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।